पॉइंट नंबर 16 हमने इसमें पढ़ना था, वो हम पढ़ लेते हैं। बाकी अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, जैसा कि आपने उस्मान ने पूछा है, किसी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आपके एक दो लेक्चर मिस हुए हैं शुरू के, तो ये हमारी क्लास की ट्रेडिशन है कि जो लोग नए आते हैं उनको हम नए के साथ पुराने के साथ रखते हैं, लेकिन पीछे से मेकअप क्लास भी करवा देंगे, उनको गौरव करवा देते हैं। तो जो जो लोग अभी एक टू वीक्स में भी लोग आएंगे, तो आपकी एक क्लास 2-3 घंटे की लॉन्ग क्लास होगी, जिसके अंदर सारे बच्चे पढ़ेंगे। ठीक, उस क्लास में कौन से बैठ सकते हैं? कोई भी बैठ सकता है, जिसे नहीं पढ़ना वो भी बैठ सकता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 16, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट नंबर 16 पे थे हम। एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव एनकंपासेस रेंज ऑफ एलिमेंट्स, एंगेजमेंट वर्क प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिसोर्स एलोकेशन, टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर एक्सेट्रा। उसके बाद आया था एंगेजमेंट कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन। इस पॉइंट का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज होगी एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। इसका क्या मतलब है? इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ऑडिट ऑब्जेक्टिव, कि हमने ऑडिट क्यों करना है। ठीक है, इसको हम कहेंगे एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। एंगेजमेंट जहां भी वर्ड आएगा आप उसको सिनोनिम समझें असाइनमेंट का या ऑडिट का, कि हम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। सो हमने यहाँ तक डायग्राम देखी थी कि एक उससे रिलेटेड फेस को होगा, हमने उससे भी देखा था सिर्फ ऑब्जेक्टिव के हवाले से देखा था आपको याद होगा। ठीक है, वो थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं ऑडिट के हिसाब से एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें एंगेजमेंट वर्क प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, एंगेजमेंट वर्क प्रोग्राम्स। ठीक है, एंगेजमेंट वर्क प्रोग्राम्स के बाद यहाँ भी चीजें आती हैं। अगर नोट्स के हवाले से मैं चलूँ तो एंगेजमेंट कम्युनिकेशन आ जाएगी। ठीक है, एंगेजमेंट वर्क प्रोग्राम्स और उसके बाद एंगेजमेंट कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में एक डिटेल है जिसको हमने डिटेल में यूनिट 7 में पढ़ना है। उसके अंदर क्या आता है? प्रीलिमिनरी सर्वे। उसके बाद सैंपलिंग प्लान, ठीक है, उसके बाद बजटिंग,